सुप्रभात। आज अघन का शुक्ल प्रभात है, प्रतिपदा है, और ये महीना जब शुरू हुआ था तो पहले ही दिन ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म आया था। बहुत बढ़िया बारिश हुई थी यहाँ पर 3 दिन तक, जिसमें कंटिन्यू आप सोचिए कि करीब 50 mm के आसपास बारिश हुई, जो यहाँ के एनुअल रेनफॉल से कई गुना ज़्यादा है। तो इस तरीके से इस महीने की शुरुआत हुई। सुबह सुबह इन महीने में हमारे यहाँ प्रभातियाँ वाले आते हैं, जो सुबह सुबह श्री कृष्ण और राधा जी के नाम की प्रभातियाँ सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सर्दी की सुबह में रजाई में होते हैं और 4:30 बजे आपके घर के पास से ये लोग इस तरीके से पूरी मस्ती में ढोलक की थाप और हारमोनियम की मधुर आवाज़ के साथ जब गाते हुए निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत दूर तक इनकी आवाज़ सुनाई देती है। यानी ये सोचिए, जब पिछली गली में होते हैं तब से इनकी हल्की हल्की आवाज़ टोन, वो जो है सुबह की प्रातःकाल का जो वातावरण होता है उसको बहुत ही अध्यात्म से भर देती है। मगर जब ये आपके घर के पास आते हैं तो और बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, जब सर्दी आती है तो हम तुलसी मैया को ओढ़नी ओढ़ाते हैं। ये हमारी सनातन परंपराएं हैं। देखिए किस तरीके से क्या क्या करते हैं। इस संस्कृति के जैसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही सुबह सुबह कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह चला देता हूँ, उस पर सुनता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। तो अभी जस्ट मैंने इसको ऑन किया ही था कि ये प्रभाती वाले अभी यहाँ से गुजरे, तो मैंने उसको बंद करके और सीधा सीधा इसको रिकॉर्ड किया। किसी दिन इनसे पूरा इंटरव्यू लूँगा, इनसे पूरा बात करूँगा, एक विस्तृत वीडियो आपको दिखाऊँगा, सुनाऊँगा इनके प्रभातियों, रिकॉर्ड करूँगा। मगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप भी इस सुबह सुबह की इस क्लिप का आनंद लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय हो। सुबह सुबह प्रभातियों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगता है। ये वृंदावन के पंडित यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह प्रभातियाँ गाते हैं। सुबह सुबह जब आप रजाई में होते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी प्रभात में आते हैं, 4:30-4:30 बजे के आसपास इधर से शुरुआत करते हैं। ये अभी महीने भर या 2 महीने लगभग यहीं रहेंगे, रोज़ सुबह प्रभातियाँ सुनाएंगे लोगों को, और फिर जब जाने वाले होते हैं तो एक एक घर से कलेक्शन लेते हैं, और इस तरीके से इनका काम चलता है।